गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ खुशी व्लॉग लुबनाबे। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू मेक अ इजी पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने डो बनानी है। डो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है 2 टेबल स्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून यीस्ट एंड 1 टेबल स्पून शुगर। इन दोनों को मिक्सर बना लें। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है वो है 2 मग मैदा। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स डाल लेंगे। फिर अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे योगर्ट, डालेंगे ये योगर्ट 2 टेबल स्पून, वन टेबल स्पून नमक, ये हम लोगों ने थोड़ा सा बॉइल वाटर किया। अब हम लोग इसमें यीस्ट वाटर डाल लेंगे। नाउ मिक्स इट वेल। इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। हम लोग अब इसको कैप से कवर कर लेंगे। 2 घंटे के लिए हम लोग इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखना, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे बाहर ही रखेंगे। डो है वो रेडी है। ये देखें इसके बबल्स कितने प्यारे बन रहे हैं। ये देखें, अब हम लोग इसको खोलेंगे। हम लोगों ने इसे 2 आवर्स के लिए रखा था। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब उसका चिकन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग पैन लिया, पैन में हम लोग ऑयल डालेंगे। टू टू 3 टेबल स्पून अब हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि जो चिकन किया उसकी खुशबू ना आए। स्मेल की वजह से हम लोग ये डालेंगे। हम लोग इसे मिक्स करेंगे। अब हम लोग इसमें चिकन डालेंगे। चिकन के हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, बोनलेस चिकन था। देखें, सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है।
मिक्स हो गई है, या फिर देख सकते हैं हम आप लोगों ने इसको कैसे करना है। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी कैरेट डालेंगे, जाके जो कैरेट है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये हार्ड होती है ना। रेडी हो रहा है तब तक हम लोग इसकी चिली सॉस बना लेते हैं। चिली सॉस बनाने के लिए हमें केचप चाहिए, हम लोग ने इग्नोर की टमाटो केचप लिया, आप लोग कोई सी भी केचप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें रेड चिली ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून पेपर, हाफ टेबल स्पून इसको मिक्स करेंगे, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, टेबल स्पून सूखा धनिया, नाउ मिक्स इट वेल। जो चिली केचप सॉस है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग चिकन की तरफ आते हैं। चिकन की तरफ आने के लिए हम लोगों ने डाला है टिक्का मसाला, शान का हम लोगों ने टिक्का मसाला यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून हम लोग टिक्का मसाला डालेंगे। अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सॉस 1 टेबल स्पून, चिकन और पिज्जा सॉस रेडी है। अब हम लोग पिज्जा प्लेट पे ऑयल को ग्रीस करेंगे। देखें हम लोग मीडियम पिज्जा बनाए तो ये मीडियम पिज्जा की प्लेट है। अब हम लोग इसको डो को इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको स्प्रेड कर लेना है। फोक के मैं अच्छे तरीके से कट देंगे ताकि जो नीचे से वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसके ऊपर पिज्जा सॉस स्प्रेड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। हम लोग इसके अंदर मुज़्ज़ारेला चीज़ डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग मुज़्ज़ारेला चीज़ थोड़ी थोड़ी डालते देंगे। और अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे चिकन जो हम लोगों ने तैयार रेडी किया था। अब हम लोग फिर इसके अंदर चीज ऐड करेंगे लाइट से। अब हम लोग इसके अंदर ऐड शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ऐड किया
ओनली फॉर स्मेल, सिर्फ थोड़ा सा ऑनियन है। अब हम लोग इसके अंदर ऑलिव्स लगाएंगे। वो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग इसमें इसको हम लोग देखते में शफल करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले नीचे प्लेट रखी है उसकी स्टील की, उसके ऊपर ये रखेंगे और अब हम लोग इसे गैस पर रखेंगे। ये देखें इसको हम लोग 15 से 25 मिनट तक रखेंगे। ऐसा वजन रखेंगे, हम लोगों ने ये रखा है ताकि जो इसकी हीट है वो बाहर ना निकल सके। तो अब हम लोग मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद, तो इसका कैप उतारेंगे और हमारा पिज्जा जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, जबरदस्त। माशाल्लाह हमारा जो पिज्जा है वो रेडी है, बहुत नरम सा सॉफ्ट सा। ये देखिए हम कट करके दिखाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। सो आपको हमारा पिज़्ज़ा कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।